सिर में गहरी चोट लगी है, परंतु चिंता करने की कोई बात नहीं, जल्दी होश में आ जाएगी। अब कैसी तबीयत है रजनी? ओह, तो मेरी हमशक्ल का नाम रजनी है, तो फिर रजनी कहाँ गई? क्या सोचने लगी? हाँ, कुछ नहीं, मगर उसका क्या हुआ? कौन, रामवती? हाँ, वो तो भगवान को प्यारी हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गई। हाँ, कल तक मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी समझता था, और आज मुझे ऐसा खुशनसीब कोई नहीं। ये मुझे रजनी समझ रहा है। अगर मैं इंस्पेक्टर रजनी बन जाऊं तो ठाकुर और बलवंत से मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी कि मैं कौन हूं। ये लीजिए भाई साहब। भाई साहब, काफी दिन हो गए हैं रजनी की ना कोई चिट्ठी मिली है और ना ही खबर, कहीं वो मुसीबत में न फंस गई हो। आपको खामखा वहम हो गया लक्ष्मी बहन, इस मर्तबा पहली बार वो खुफिया तौर पर किसी केस पर काम करने गई है। हो सकता है उसे अपनी खैरियत लिखने की फुर्सत ही ना मिली हो, लेकिन बहन मुझे यकीन है कि वो जहां भी होगी, जैसी भी होगी, अच्छी होगी। अरे दीपू, माझे, शर्फू, जल्दी आओ, देखो सरदार को होश आ गया। सरदार रामवती जिंदाबाद, सरदार रामवती जिंदाबाद, सरदार रामवती जिंदाबाद, सरदार रामवती जिंदाबाद, जिंदाबाद, सरदार रामवती। खामोश सरदार, कैसी तबीयत है आपकी? कौन हो तुम लोग? बेटी, ये सरदार कौन है और मैं कौन हूँ? बेटी, तुम इन सबकी सरदार डाकू रामवती हो। कौन रामवती? मैं किसी रामवती को नहीं जानती, मैं किसी रामवती को नहीं जानती। लेकिन बेटी, अपने आप को याद करने की कोशिश करो। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लेट जाओ, लेट जाओ बेटी, तुम्हें आराम की जरूरत है, लेट जाओ। भवानी सिंह, सर पर गहरी चोट लग जाने की वजह से ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। इसे अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। भवानी सिंह, जिसके कारण हमारे सरदार की हालत हुई है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं।